করে পোটা পড়া पेमेंट तो डन हो चुकी है, बस थोड़ा सा वेट करना, देखो कितना टाइम लगता है। मैं बता रहे हैं डीडी वापसी लेना, वीडियो भी छोटी सी अमर ज्योति में आ गया, कैंसिल हो गया। काम करने का आदेश दे सकता था आज इस घर पे और यहाँ मौजूद घर वालों पे उसी एंग्विश की तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप चलेगी। जो मैंने अपनी बहन का एडमिशन कराया था, डिमांड ड्राफ्ट दिया था ना, तो उसमें थोड़ा इशू हो गया था। वो बैंक वालों ने मतलब रिसीव नहीं करा, जिन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो डिमांड ड्राफ्ट वापसी दे दिया। पेमेंट मैंने कहीं से करवा दी उन्हें, अब कल बैंक जाके डिमांड ड्राफ्ट करवा के फिर पे करें, इसका महंगा हो जाना चाहिए, ठीक है। और सुनो मेरी बात, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी अभिषेक जायसवाल और आप देख रहे हैं अभिषेक जायसवाल ब्लॉग। सो गाइस, होप करता हूँ आप अपने घर में ठीक होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे, ठीक है। पूरी हो गई लाइन, अब गुड मॉर्निंग टू ऑल। और मैं सो के उठ चुका था, मम्मी को भी स्कूल छोड़ने का, फिर अपना थोड़े एक्सरसाइज वगैरह करी और दो चार काम तो निपटाए मैंने, क्योंकि कहीं काम से जाना था जरूरी। अभी मुझे जाना है दुर्गापुरी, पहले एक पार्टी के पास चेक ले गया ना, मतलब कुछ काम है पर्सनल टैक्स वैक्स का, फिर मैं अपना ऑफिस निकलूँगा, दिखा दें क्या क्या होता है आज, ठीक है। और भाई वोट कर दो दबा के एलविश भाई को, ठीक है। सिस्टम हैंग हो जाना चाहिए जियो सिनेमा का, ठीक है। और सुनो मेरी बात, दूसरी चीज़, लोग भाई बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, ठीक है। कल मैंने देखा रिसेंटली, क्या कहते हैं, कितने हैं, 170 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो थैंक्स टू ऑल। और धीरे धीरे और ग्रो करोगे ना, अब डेली ब्लॉगिंग चल रही है, ठीक है। जैसे मैंने वादा करा था कल वाले ब्लॉग में क्या आएगी, तो आज आ जाएगा वो ब्लॉग, ये वाला कल आएगा, फिर रिसेंटली आते रहेंगे, कोई मना नहीं होगी ब्लॉग के, ठीक है। और बाकी गाइस अपना एंजॉय करो लाइफ को और दिल से करो। देखो एक होता है ना सुकून वाली ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी तो नहीं है इस टाइम, बट थोड़ा सा सुकून अपने आप से मिल रहा है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ अपनी जॉब भी चल रही है और ये भी चल रहा है, इसमें अच्छा होगा तो उसका भी काम, बाकी ऑल सेट। अब फ्रेश एंड अप होकर रेडी वेडी होता हूँ ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। बाल भी बड़े हो रहे हैं बट देखते हैं भाई, अभी से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ भाई को, बहुत पहले से। जब यूट्यूब पर वीडियो देखते थे ना मैंने पहले, हाँ हाफ इंजीनियर और ये एल बी शाह दोनों के देखता था, शुरू से ही देखता हूँ, ठीक है। सो गाइस सपोर्ट करो, प्यार दो अपना और इंजॉय करो, ठीक है। 10 बज रहे हैं, बस अब फ्रेश एंड अप होके नहा धो के रेडी वेडी होकर फिर चलते अपना ऑफिस की ओर। लव यू गाइस, ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी ना शेयर करो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि धीरे धीरे व्लॉगिंग टिप्स है ना बढ़ेगी और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। बस मैं 2-3 महीने का टाइम चाहिए, क्लैरिटी देखने कितनी सही आएगी। क्लैरिटी अभी भी कम है मेरे हिसाब से जो मैं डाल रहा हूँ, बट थोड़ी और आएगी। और बाकी व्लॉग का रिस्पॉन्स भी दे करो कमेंट में कि कैसे जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ठीक है। आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं जैसे दुर्गापुरी जाऊँगा कहीं पे भी जाऊँगा रास्ते की, तो अकेला हूँ तो नहीं बना पाऊँगा। तो और गाइस बाइक देख लो मेरी, किसी ने इतनी बड़ी कुंदस निकाली, मेरा एक इंडिकेटर तो टूट ही रहा था, वो एक्सीडेंट हुआ था, बट किसी ने उसको और खींच दिया, और जो पीछे वाला था बैक वाला वो भी खींच दिया किसी ने। मार्केट में गया, ऑफिस के पास ही कराया किसी ने, इसलिए मेरा मन नहीं करता, बट मैं परमानेंटली ना इसका इलाज करने वाला हूँ, देखते हैं। वो अगर सुटेबल होता तो ठीक है, या तो चेंज हो जाएगी यहाँ से जॉब, जॉब क्विट हो जाएगी, या बाइक का कुछ सोल्यूशन करेंगे,
दो तीन चीज़ें ये मुझे फिक्स करनी है, क्योंकि भाई मैं ऐसा है, देखो चाहे मेरी मम्मी ने बाइक दिलाई या मेरी फैमिली ने, किसी ने भी दिलाई, मेरी फैमिली ने मुझे दिलाई भाई कि मैं 12th पास करी थी और अपना जॉब वॉब करती थी, मतलब जो भी अपने कॉलेज भी चल रहा है सब चल रहा है, तो मैं बाइक से आना जाना हर जगह प्रेफर करता हूँ। और मेरे घर में पहले बाइक थी मेरे पापा पे, 2005 में उन्होंने सेल कर दी थी किसी रीज़न से, इसलिए क्योंकि वो जहाँ जॉब करते थे वहाँ खड़ी वड़ी करने की जगह नहीं थी और टाइम भी नहीं मिलता था चलाने का। तो मैं चला रहा हूँ, मेरे पापा को थोड़ी बहुत आती है, मतलब पक्का नहीं आता, चला लेते हैं बट, तो मैं भाई इसे चांद से ज़्यादा चाहता हूँ बाइक, क्योंकि मेरे हर एक चीज़ में ना ये बाइक योगदान है, चाहे मेरा एक्सीडेंट हुआ है, चाहे मेरे साथ स्नैचिंग हुई है, एक बार मेरा फ़ोन भी छीना था पिछले साल जब मैं ब्लॉगिंग भी करता था, 13 जुलाई को मेरा बर्थडे था, 12 जुलाई को मेरा फ़ोन छीन लिया था इसी बाइक पर था मैं। तो कई चीज़ें हैं और इस बाइक से मेरा फ़ायदा भी कई हुआ है, मैं जल्दी से पहुँच जाता हूँ और बहुत लोगों ने मतलब चलाई है, मेरे मामा ने, मेरे मौसी के बेटे ने, सब ने बहुत दौड़ाई है भाई। और लॉकडाउन में जब मेरे मामा की तबीयत ख़राब थी, ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम सिलेंडर लेने जाते थे ऑक्सीजन के लिए, तो स्प्लेंडर ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और ये बाइक मिल ली है, बहुत कीमती है। जिसे कहते हैं ना कि अभी तक मैंने, मेरा एक फ़ोन तो चलो चोरी हो गया, फिर मैंने मामा का फ़ोन था उन्हीं का यूज़ करा हुआ, डिस्प्ले क्रैक थे, डिस्प्ले सही करा के मैं उसे चला रहा था, ऑनर 9 लाइट करके था तो वो मैं चला रहा था, तो वो भी बहुत बेस्ट है फ़ोन, वो मेरे पे अभी भी रखा हुआ, मेरे पापा यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं कोई नया लूँगा या कुछ करूँगा तो मैं ये जो जिससे वीडियो कर रहा हूँ ये मेरे पापा के पास जाएगा, या देखते हैं जो भी होगा। तो मैं उस फ़ोन को बड़ा संभाल के रखता हूँ अभी भी, तो जो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे शुरू से जुड़ा हुआ है, पहला ब्लॉग मेरा उसी फ़ोन से था, जो मैं स्टेशन वगैरह लेने जाता था ना, बैक कैमरा उसका सही था, फ्रंट बेकार था, तो मैंने उसी से शूट करा था, और ये था मेरी बहन का फ़ोन, तो मैं उससे शूट करता था। तो फिर मैंने अपनी बहन को दूसरा दिलाया iPhone 7, मैंने ये ले लिया कि भाई इसमें सही आ रही है वीडियो, इससे बनाता हूँ। इसमें क्या है, मैं सोशल मीडिया के सारे ऐप हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब है, और सब चीज़ व्हाट्सएप का बहुत डाटा होता है, तो ये हैंग वैंग भी, वो भी हैंग नहीं करता, बट उसकी 64 GB रैम थी, इसकी 256 है, तो इस चक्कर में इसे चूज़ करा मैंने, और बाकी जो भी है ठीक है, चलते हैं अपना ऑफिस और दिखाते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं गाइस, रेडमी। अच्छा आपको ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा, ट्रांजेक्शन दिखा दूंगा ठीक है, 3 3 2 1 सिस्टम। ये सिस्टम तो चलता रहेगा भाई, लेकिन रुकना भी नहीं चाहिए, तो ट्रांजेक्शन देखना ठीक है। हाँ जी, तो रेडी वेडी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए, जस्ट अभी शूज वूज भी रेडी कर लिया, बस जींस डाल लूँ और फिर निकल लें ऑफिस के लिए तेज़ी में, लाइट भी नहीं आ रही है ना, बस चल रहे हैं फिर अपना। नीचे आपको दिखाता हूँ कि इंडिकेटर कैसे, किसी ने खींच के तोड़ा वो मुझे पता है ठीक है, और बाकी देखो जो भी है लेना तो बड़ा, जिसको जो जैसे लेनी है ठीक है, बस की चाहिए मशीन तेज़ी। तो मुझे याद है मैं मार्केटों को छेड़ रहा था, नीचे बाइक खड़ी थी ऑफिस के, तो मैंने कहा भाई दूर हो जाए, तो उसने ज़बरदस्ती खींचा, मैं समझ गया सब, बट कोई नहीं भाई, कर ले अपने मन की, कितनी करेगा कितना कर लेगा। करने दो भाई ठीक है, तो चलते हैं दुर्गापुरी वगैरह जाना, फिर वहाँ से चल गए, फिर लव यू गाइस। देखो ये टूटा पड़ा, 6-4 ज़बरदस्ती कुछ नहीं, चल दिया अपना, ये देखो घूम रहा है इनके मजे ज़िंदगी के। सो ये गाइस ऑफिस पहुँच चुका हूँ ठीक है, अब अपना जल्दी सफाई वफाई हो रही है, फिर अपना काम वाम पे बैठ गए, फिर शाम को मिलते हैं, लाइव चलता रहेगा। सफाई हो रही है,
कर रहे हैं। पेमेंट तो डन हो चुकी है, बस थोड़ा सा वेट चल रहा, देखो कितना टाइम लगता है। अभी बता रहे हैं वो टीडी वापसी लेना, वीडियो भी छोटी सी अमर ज्योति में आ गया, कैंसिल हो गया। पेमेंट तो पेमेंट ऑनलाइन कर दिया किसी से लेके, अब टीडी दे रहे हैं वापसी, एप्लीकेशन वगैरह लगाई है, टाइम लग रहा थोड़ा सा। तो यही से सीक्रेट टास्क मिला हुआ है अविनाश को, तो ये तीसरी बार आ गया, पर है ना सब बेवकूफ़ बाहर चले गए यार। घर पे आ चुका था, 6:30 बजे आया था, और अपना काम भी हो चुका है डन पूरा, दिखाया भी थोड़ा बहुत शूट कर पाया, क्योंकि थोड़ा रश होता है ना वहाँ, जहाँ मैंने शूट करा वहाँ रश नहीं था, मैंने ऐसे शूट कर लिया, मैंने छोड़ो यार दिखाते थे हम कहाँ हैं, क्योंकि डेली व्लॉगिंग में क्या है जो जो दिखाएंगे। अब बिग बॉस चल रहा था, एक घंटा करीब हो गया, अविनाश को सीक्रेट टास्क मिला हुआ है, और एलविज अपना वो बना हुआ है, कैप्टन बना हुआ है एक तरह से, भाई साहब मस्त, बिल्कुल मस्त चल रहा। पर अब 9 बजे टेलीकास्ट होगा, तो उसे फ़ोन पे देखेंगे, क्योंकि टी वी पे देख नहीं पाएंगे। अभी ज़रा पूजा वूजा करनी है, तो पूजा वूजा कर लेते हैं, ठीक है, और इसे बंद करते हैं, ठीक है, मिलता हूँ। अब बिग बॉस का मजे ले रहे, थोड़ी देर की बात है फिर ये ख़त्म होता है, फिर अपना पूजा वूजा करके फिर अपने मोबाइल पर रखते हैं, ठीक है, बने रहें व्लॉग में, मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, अपना खाना वाना सब डन हो चुका है, और मैंने बिग बॉस का सीज़न जो था वो अभी देख लिया, मतलब एपिसोड में जो बन गया था वो भी देखता हूँ, लाइव भी अगर चला लेता हूँ तो चला ही रहा हूँ जब से, तो पर्टिकुलर बट ऑल सपोर्ट है एलविश यादव को। और देखो क्या पलटी आई है, मैंने कल, मैं लेट इसलिए बता रहा हूँ कि जब एपिसोड टेलीकास्ट हो, जब भी आपको बताऊँ, लाइव में तो सब देख रहा हूँ कि भाई जो बना था असिस्टेंट वो बन गया, क्या था वो भैया, मतलब तानाशाही वाला राजा बनेगा, तो वो किसी से भी काम करा सकता है। पर जिया ने काम ऐसा करा, उसे साबुन वाला पानी पिला दिया यार, वो उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर सकता है, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट कर सकता है, तो कम से कम अगर नहीं देना तो मत दो ना भाई, ये सब ऊँची नीचे हरकतें तो मत करो कम से कम, मेरा यही कहना। और बाकी जो भी है फुल सपोर्ट है भाई को, और भाई मेरे हिसाब से ना अविनाश है जिया जानी चाहिए, फलक को रहन दो, फलक को तो किलसाना ढंग से, अविनाश है जिया में से कर दो वोट आउट किसी को भी, ठीक है। और बाकी गाइज सपोर्ट, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग ऑल टाइम, और अभी इस टाइम देखना जब तक एलविश यादव है बिग बॉस में, ये चलता ही रहेगा भाई, अब हमारा ट्रॉफी लेके आएगा, ठीक है, डिटेक्टर बन गया वो जो भी है, ठीक है, तो फुल सपोर्ट है भाई को, भाई बहुत अच्छा कर रहा है यार, क्योंकि वो जुबान पे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, उन्हें अविनाश को बोल दिया यही चीज़ ना बाहर बोल दें मुझसे, तो छुपा छुपा फिरेगा, और ये रियल है, ये बेसिक नहीं है, बेचारा वो भी कर रहा है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोल करना पड़ता है गुस्सा, तो वो से उकसा रहे हैं तीनों कि भाई नहीं 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 नहीं। और आज जो लाइव चल रहा था उसमें तो वो उसे कप केक खिला रही है, दिया वो कर रही है, दो गले साले जो भी है, ठीक है। सो गाइज, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और एलविश भाई को वोट कर दो दबा के, एक बंदा एक ही वोट कर सकता है, पर आप अपने फ़ोन से रेगुलर करते रहो, क्या पता काउंट हो जाए, ठीक है, और अपनी फैमिली के फ़ोन में से, जैसे मम्मी हो गए, पापा हो गए, भाई बहन किसी का भी हो, दोस्त का हो, वो नहीं देखता कोई बात नहीं, जियो सी नंबर डाउनलोड कर लो और जल्दी से वोट कर दो भाई को, ठीक है, फुल सपोर्ट है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, बाय बाय।